देखिए एक बात समझिए, इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, गरीब के अधिकार को लूटो, आपदा पीड़ितों के अधिकार को लूटो, केवल केवल ऊपर से नीचे केवल केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। और ये मामला तो हमारे कटिहार जिले में जो प्रत्याशी रहे हैं, हमारा संगठन है, उनके पास तो तारकिशोर जी के सारे चीजें पड़ी हुई हैं। ये मामला जो उनके बेटे और बहू को 53 करोड़ रुपए काम देने की है, ये तो जांच का विषय है। इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और आप बताइए, हमने देखा बीजेपी के लोगों को कि बिजनेस करना जो है कोई अपराध नहीं, मतलब बीजेपी के लोग करें कुछ भी तो दूध का धुला हुआ लोग है। आश्चर्य है कि इस डिप्टी सीएम पद जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और देखिए, बीजेपी के विधायक ने ही कहा था कि बीजेपी के मंत्री बिना घूस लिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमा करके बैठे हुए। सृजन घोटाला का फाइल खुल जाता है, नीतीश कुमार जी छुप जाते हैं, डुपक जाते हैं। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर हैं। उन्हीं की बात अगर की जाए तो उन्हीं के लोग जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, चाहे सृजन घोटाला हुआ हो, बालिका गृह कांड हुआ हो, 7 निश्चय घोटाला हो। इसमें देखिएगा कई काम जो है, 7 निश्चय का भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल जनता दल यूनाइटेड के लोगों को चुन चुन करके जो है ठेका पट्टी दिया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसमें मुख्य डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। और आप देखिएगा, इस पे हम विशेष रूप से इस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कल और परसों में, और हम डिटेल भी लाएंगे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने हमको दिया भी है कि क्या क्या मामला इनका रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है। तो इस पे हम लोग विशेष रूप से करेंगे, काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट मचाई जा रही है। आप बताइए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक कांस्टेबल के पास से 10 करोड़ रुपया मिला, आलिशान बंगला है, तो आप सोच सकते हैं कि जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, मंत्री लेवल के लोग हैं, इन्होंने कितना जो है भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं? कभी नहीं। बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार जी। तो इन सब में तो खुद सब लोग इन्वॉल्व हैं। 2019 का मामला है, सरकार बनने से पहले का मामला है, खगड़िया वाला जो, तो हम सारी चीज जो है वो लाएंगे पेश करेंगे। मांझी जी ने कहा कि श्री राम जो थे ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व। देखिए, अब इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है जो जनता का मुद्दा है, जिससे बिहार की भलाई हो सकती है, तरक्की हो सकती है, उस पे है। अब बताइए, सरकारी खजाने का जो है क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पे लोगों को बताना चाहिए भाई क्या मामला है पूरी तरीके से। लेकिन लोगों को भी भरोसा नहीं रह गया इस मौजूदा सरकार क्या। हमने बोला ही ना भाई, नीतीश कुमार जी के बस की बात ही नहीं है, सृजन का फाइल खुलवाना है क्या उनको?